वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप कॉपर ऑक्साइड बना सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे आप कॉपर कार्बोनेट बना सकते हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कुछ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉपर ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट से। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और कोई पूछे कि मेरा सबसे अच्छा इस रिएक्शन में सबसे मुझे अच्छा लगता है तो मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो आज हम वही करने वाले हैं, कॉपर कार्बोनेट को डिकम्पोज करने वाले हैं और ये CuO और CO2 यानी कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिकम्पोज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा और जो काले काले कलर में बचेगा वो होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड एक्चुअली काले कलर में होता है और कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो काले कलर में बदल जाता है कॉपर ऑक्साइड। और तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि इसमें हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस डिकम्पोज करेंगे। सबसे पहले आपको इसे एक टेस्टिंग होल्डर के सहायता से पकड़ लेना है। उसके बाद आपको एक मोमबत्ती रखना है, उसके बाद इसे आप जला लीजिए। अब आपको इसे गर्म करना है और ये काले कलर में बदलना शुरू हो जाएगा। चलिए हम इसे गर्म करते हैं। कुछ देर हमको गर्म करना होगा इसको, आप हर जगह से इसे गर्म कीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। लगता है ये पूरी तरह काला कलर में बदल चुका होगा। तो चलिए इसे नीचे डालते हैं इस कागज पे। अब देख सकते हैं ये कॉपर ऑक्साइड बन चुका है। यही है जी हमारा कॉपर ऑक्साइड। और तो हम इसमें से पूरा कॉपर ऑक्साइड निकाल लेंगे। वीडियो कैसे लगी है गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आजकल मेरे वीडियो का आप नहीं देख रहे हैं, क्यों गाइज कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।